एमसीक्यू आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 342 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 342, इसमें क्या पूछा जा रहा है? अ ड्रग एडिक्ट वॉज कॉट होल्ड ऑफ बाई नार्कोटिक ड्रग एडिक्शन डिपार्टमेंट। ही वॉज फाउंड टू हैव जेट ब्लैक टंग एंड टीथ, लाइकली ड्रग एडिक्शन इज ऑफ। ठीक है, तो जेट ब्लैक टंग, जेट ब्लैक टंग एंड टीथ, एंड टीथ सीन इन एडिक्शन ऑफ, सीन इन एडिक्शन ऑफ। ऑप्शन वन डायज़ेपम, ऑप्शन टू कैनाबिस, ऑप्शन थ्री कोकेन, या ऑप्शन फोर हेरोइन, फिर से देखिए, जेट ब्लैक टंग एंड टीथ इज सीन इन एडिक्शन ऑफ डायज़ेपम, कैनाबिस, कोकेन या हेरोइन। एंड द राइट आंसर इज कोकेन, द राइट आंसर इज कोकेन। क्वेश्चन नंबर 343 देखिए, क्वेश्चन नंबर 343, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है पेशेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म विथ राइट वेंट्रिकुलर हाइपोकाइनेसिया एंड कॉम्प्रोमाइज कार्डियक आउटपुट बट नॉर्मल बीपी इज। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं पेशेंट में क्या क्या हुआ है। एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म विथ राइट वेंट्रिकुलर हाइपोकाइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया विथ कॉम्प्रोमाइज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट बट नॉर्मल बीपी। इस पेशेंट का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, ऑप्शन वन थ्रोम्बोलिटिक एजेंट। ऑप्शन टू लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन। ऑप्शन थ्री वारफरिन। या ऑप्शन फोर आईवी फिल्टर्स। देखिए, एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म विथ राइट वेंट्रिकुलर हाइपोकाइनेसिया विथ कॉम्प्रोमाइज कार्डियक आउटपुट एंड नॉर्मल बीपी, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस? थ्रोम्बोलिटिक एजेंट, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, वारफरिन या आईवी फिल्टर्स। एंड राइट आंसर इज थ्रोम्बोलिटिक एजेंट, क्वेश्चन नंबर 344 देखेंगे। इन ए क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी अवॉइडेड एक्सेप्ट। ठीक है, तो क्रॉनिक अल्कोहलिक अवॉइडेड ड्रग्स आर ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन वन सेफामेंडोल। ऑप्शन टू मेट्रोनिडाजोल। ऑप्शन थ्री क्लोरप्रोपामाइड। या ऑप्शन फोर बेक्लोमिथासोन। फिर देखिए, क्रॉनिक अल्कोहलिक अवॉइडेड ड्रग्स आर ऑल एक्सेप्ट सेफामेंडोल, मेट्रोनिडाजोल, क्लोरप्रोपामाइड या बेक्लोमिथासोन। एंड द राइट आंसर इज बेक्लोमिथासोन हम लोग दे सकते हैं, लेकिन सेफामेंडोल, मेट्रोनिडाजोल, क्लोरप्रोपामाइड नहीं देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 345। अ न्यू बॉर्न डेवलप लिप एंड क्लेफ पैलेट एंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज लाइकली टू बी कंज्यूम बाय द मदर सो एज टू कॉज सच टाइप ऑफ कंजेनिटल एबनॉर्मिटी। तो न्यू बॉर्न विथ क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट एंड एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट। तो मदर मस्ट हैव कंज्यूम्ड। ऑप्शन वन डाइजॉक्सिन
ऑप्शन टू मिथेनॉल, ऑप्शन टू मिथेनॉल, ऑप्शन थ्री एस इनहिबिटर, ऑप्शन थ्री एस इनहिबिटर, ऑप्शन फोर आइसोट्रेटिनोइन, ऑप्शन फोर आइसोट्रेटिनोइन। फिर से देखिए, न्यूबॉर्न विथ क्लेफ लिप और क्लेफ पैलेट एंड एएसडी मदर मस्ट हैव कंज्यूम डाइजॉक्सिन मिथेनॉल एस इनहिबिटर आइसोट्रेटिनोइन एंड द राइट आंसर इज आइसोट्रेटिनोइन, मदर मस्ट हैव कंज्यूम आइसोट्रेटिनोइन। क्वेश्चन 346 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 346, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं, इन ए पेशेंट ऑफ नोन प्रोलॉन्ग कॉन्जेनिटल क्यूटी सिंड्रोम एंड इंटरमिटेंट टॉर्सनस डे पॉइंटिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। तो पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग कॉन्जेनिटल क्यूटी सिंड्रोम, पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग कॉन्जेनिटल क्यूटी सिंड्रोम एंड इंटरमिटेंट टॉर्सनस डे पॉइंटिस, इंटरमिटेंट टॉर्सनस डे पॉइंटिस, डे पॉइंटिस, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रिस्क्राइब, तो मैनेजमेंट के लिए दवाई कौन से देंगे, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी इस पेशेंट की, ऑप्शन वन मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन वन मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन टू मेटोप्रोलॉल, ऑप्शन टू मेटोप्रोलॉल, ऑप्शन थ्री कार्डियक पेसिंग, ऑप्शन थ्री कार्डियक पेसिंग, ऑप्शन फोर आइसोप्रेंडिन, ऑप्शन फोर आइसोप्रेंडिन। फिर से देखेंगे, पेशेंट विथ अ प्रोलॉन्ग कॉन्जेनिटल क्यूटी सिंड्रोम विथ इंटरमिटेंट टॉर्सनस डे पॉइंटिस, मेडिकल मैनेजमेंट इज मैग्नीशियम सल्फेट, मेटोप्रोलॉल, कार्डियक पेसिंग, आइसोप्रेनोलिन, एंड द राइट आंसर इज मेटोप्रोलॉल, द राइट आंसर इज मेटोप्रोलॉल। क्वेश्चन नंबर 347 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 347 क्या बोल रहे हैं ये लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑप्टिमम ट्रीटमेंट इन ए पेशेंट ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हुज सीरम एएसटी लेवल्स आर रेज्ड। तो बोल रहे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी विथ रेज्ड सीरम एएसटी, विथ रेज्ड सीरम एएसटी लेवल, ठीक है, विथ रेज्ड सीरम एएसटी लेवल, ठीक है ना। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम ट्रीटमेंट, ऑप्टिमम ट्रीटमेंट, इस पेशेंट में क्या करेंगे, ऑप्शन वन लैमिव्यूडीन, ऑप्शन वन लैमिव्यूडीन, ऑप्शन टू लैमिव्यूडीन विथ इंटरफेरॉन, लैमिव्यूडीन विथ इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन, ऑप्शन थ्री इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन थ्री इम्यूनोग्लोबुलिन, या ऑप्शन फोर इंटरफेरॉन, ऑप्शन फोर इंटरफेरॉन। फिर से देखिए, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी विथ इंक्रीज सीरम एएसटी लेवल ऑप्टिमम ट्रीटमेंट इज लैमिव्यूडीन, लैमिव्यूडीन इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन या इंटरफेरॉन, एंड द राइट आंसर इज लैमिव्यूडीन, राइट आंसर इज लैमिव्यूडीन। क्वेश्चन नंबर 348 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 348, क्वेश्चन 348 में पूछे है, दिनेश बाली शाह सफरिंग फ्रॉम एड्स इज ऑन जिडोवुडीन लैमिव्यूडीन एंड इंडिनाविर थेरेपी, ही डेवलप परमानेंट ट्यूबरक्लोसिस फॉर हिज ट्रीटमेंट इज टू बी स्टार्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन हिम, ठीक है। तो पेशेंट, पेशेंट विथ एच आई वी, विथ एच आई वी इज ऑन जिडोवुडीन, जिडोवुडीन, लैमिव्यूडीन, लैमिव्यूडीन एंड इंडिनाविर, इंडिनाविर, ठीक है ना, डेवलप्ड, डेवलप्ड पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी टीबी, ठीक है ना, फॉर व्हिच, फॉर व्हिच ही वॉज ट्रीटेड, ही वॉज ट्रीटेड, ठीक है। तो ड्रग अवॉइडेड, ड्रग अवॉइडेड इन हिम, इन हिम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर वन रिफैम्पिसिन, ऑप्शन नंबर वन रिफैम्पिसिन, ऑप्शन नंबर टू आइसोनियाजिड, ऑप्शन नंबर टू आइसोनियाजिड, ऑप्शन नंबर थ्री इथैम्बुटॉल, ऑप्शन नंबर थ्री इथैम्बुटॉल,
ये ऑप्शन नंबर 4 पाइराज़िनामाइड, पाइराज़िनामाइड, ठीक है ना। फिर से देखिए, पेशेंट विथ एच आई वी इज ऑन ज़िडोवुडिन लैमिविर इंडिनावीर डेवलप परमानेंट टीवी फॉर व्हिच ही वाज ट्रीटेड ड्रग अवॉइडेड इन हिम रिफैम्पिसिन आइसोनियाज़िड रिथैम्बुटोल पाइराज़िनामाइड एंड द राइट आंसर इज ए रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन इस प्रश्न में नहीं देंगे। प्रश्न नंबर 349 देखेंगे। प्रश्न नंबर 349 पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग डू नॉट नीड टू बी एडजस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ रेनल फेलियर। ए टी टी नॉट एडजस्टेड इन रेनल फेलियर कौन सी होती है। ऑप्शन वन रिफैम्पिसिन ऑप्शन टू आइसोनियाज़िड ऑप्शन थ्री इथैम्बुटोल ऑप्शन फोर पाइराज़िनामाइड। फिर से देखिए, ए टी टी नॉट एडजस्टेड इन रेनल फेलियर रिफैम्पिसिन आइसोनियाज़िड इथैम्बुटोल या पाइराज़िनामाइड एंड द राइट आंसर इज रिफैम्पिसिन। क्वेश्चन नंबर 350 देखेंगे। क्वेश्चन 350, लिथियम इज यूज्ड इन ए प्रेग्नेंट वुमेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मली ऑकर्स इन फेटस। कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी एसोसिएटेड विथ लिथियम इनटेक, ठीक है ना। कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी एसोसिएटेड लिथियम इनटेक इज ऑप्शन वन टेट्रालॉजी ऑफ फेलॉट ऑप्शन टू ट्राइकस्पिड एट्रेसिया ऑप्शन थ्री एब्स्टेन एबनॉर्मलिटी ऑप्शन फोर पर्मनरी स्टेनोसिस। देखिए, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी एसोसिएटेड लिथियम इनटेक इज टेट्रालॉजी ऑफ फेलॉट ट्राइकस्पिड एट्रेसिया एब्स्टेन एबनॉर्मलिटी या पर्मनरी स्टेनोसिस एंड द राइट आंसर इज एब्स्टेन एनोमली। राइट आंसर इज एब्स्टेन एनोमली। क्वेश्चन नंबर 351 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 351, अनोन केस ऑफ सीओपीडी हु इज ऑन थियोफाइलिन डेवलप सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। फॉर ट्रीटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स शुड बी अवॉइडेड सो एज टू अवॉइड इंटरेक्शन विद थियोफाइलिन। तो पेशेंट विथ सीओपीडी ऑन थियोफाइलिन, ठीक है ना, डेवलप्ड सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो ड्रग अवॉइडेड कौन सी है। ऑप्शन वन एरिथ्रोमाइसिन ऑप्शन टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑप्शन थ्री एमोक्सिसिलिन या ऑप्शन फोर सेफालेक्सिन। फिर से देखिए, पेशेंट विद सीओपीडी इज ऑन थियोफाइलिन डेवलप सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ड्रग अवॉइडेड इज एरिथ्रोमाइसिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन एमोक्सिसिलिन या सेफालेक्सिन एंड द राइट आंसर इज ए एरिथ्रोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 352 देखेंगे। 352 क्या पूछा है, कैलकुलेट IMR इफ ए पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख देयर इज 3000 लाइफ बर्थ इन ईयर एंड 150 इन्फेंट डेथ इन सेम ईयर। तो ये क्वेश्चन बाद में ही करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।